हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी पब्लिक स्कूल जोगी ठेर में। तो आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं कक्षा 10 के गणित का चैप्टर नंबर है 13 स्टैटिक्स, जिसे हिंदी में कहते हैं सांख्यिकी, और एक्सरसाइज है 13.3। तो यहाँ पर आज हम जो इस अभ्यास के कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर है 3, निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को प्रदर्शित करता है, इन आंकड़ों के बहुलक ज्ञात कीजिए। और ये एक हमें सारणी दे रखी है। तो सारणी में प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या दी गई है और राज्य या फिर जो संघीय क्षेत्र हैं उनकी संख्या दे रखी है, और इस सारणी से हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे बहुलक? सूत्र होता है L प्लस का F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब ये क्या है वो सारे के सारे हम यहीं पर एक साइड में नोट कर लेते हैं। यहां L, सबसे पहले तो हम देखते हैं इसमें सबसे बड़ी, ये हमें F दे रखा होता है मींस बारंबारता, तो ये सबसे बड़ा नंबर इसमें से कौन सा है वो हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। 10 सबसे बड़ा नंबर है और इसे हम डिनोट करते हैं F1 से। इसके ठीक पहले वाला जो वर्ग है इसे हम F0 मानते हैं और नेक्स्ट वाले को F2। इसके ठीक पहले वाले को F0, इसके ठीक पहले बाद वाले वर्ग की बारंबारता को F2 से प्रदर्शित कर दिया। तो F0 का मान कितना है? 9। F1 का मान कितना है? 10। और F2 का मान कितना है? 3। अब क्या करना है? ये तीनों तो हमें मान मिल गए, L बचा है और H। तो L हम देखते हैं जहां पर हमने F1 माना है, जो सबसे ज्यादा बारंबारता है, उस वाले वर्ग अंतराल की निम्न वर्ग सीमा जो कि कितनी है? 30 है। तो L का मान हो गया यहां पर 30 और H होता है इसी वर्ग में निम्न वर्ग सीमा और उच्च वर्ग सीमा के बीच का अंतर जो कि है 5 का। तो सभी मान ये सारे के सारे इस वाले फॉर्मूले में रख देते हैं, क्या मिलेगा? L के स्थान पर कितना? 30 प्लस F1 कितना है? 10 माइनस F0 का मान कितना है? 9 अपॉन 2F1 कितना है? 10 माइनस F0 कितना है? 9 माइनस F2 की वैल्यू है 3 और H कितना है यहां पर? 5। सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा? 30 प्लस 10 में से 9 गया 1 गुणे 5 बटे 2 दशावन 20 माइनस, ये दोनों माइनस के हैं जुड़ जाएंगे कितना आएगा? 12 है। तो यहां से 30 प्लस के 5 एकम 5 बटे 20 में से 12 है जाएंगे कितने बचेंगे? 8। 8 से 5 के लिए भाग दे देते हैं, 8 से 5 के लिए देते हैं भाग, 8 से 5 में भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 8 छक्के 48 कितना बचा यहां पर? 2 पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा लिया, 8 दूनी 16 है कितने बचे? 4 पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा लिया, 8 पंजे 40 ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया तो आ गया 0.625। तो 30 प्लस का 0.625 कितना मिल जाएगा? ये 30 में ये जोड़ देंगे तो 30.625, और ये हमें क्या दे रखा था? प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या, इतनी संख्या हो गई।
प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है फोर, दिया गया बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है, और ये सारणी उसकी दे रखी है। कहा गया है उपयुक्त आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, तो हमें यहां पर ये CI और ये F दे रखा है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमें बारंबारता यहां पर दी गई है इसमें सबसे बड़ा नंबर देखते हैं जो क्या है 18। इसी 18 को हमें क्या मान लेना है, F1 मान लेना है। इसके ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता को F0 और इसके ठीक बाद वाली बारंबारता को F2। तो F1 वाले को यहां पर कवर कर लेते हैं। अब यहां क्या क्या हमें दे रखा है, सबसे पहले F1 कितना है 18, F0 है 4, F1 कितना है, सॉरी F1 तो लिख चुके हैं, F2 कितना है 9, F2 9, और H और L की वैल्यू अभी और चाहिए, तो L कितना है यहां पर 4000, इस वाले वर्ग की निम्नतम सीमा जो कि है 4000, और L इन दोनों के बीच का अंतर जो हमें दे रखा है कितना 1000 का, तो बहुलक कितना हो जाएगा L प्लस का F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। तो सारी वैल्यू पुट करेंगे, L का मान कितना है यहां पर, सॉरी L है, ये उल्टा उल्टा लिख गया है, L है हमारा 4000 और H है 1000 का, तो L की वैल्यू है 4000 प्लस F1 कितना है 18 है माइनस F0 की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन 2F1 कितना है 18 माइनस F0 कितना है 4 माइनस ये कितना है F2 9 और H का मान 1000। सॉल्व करेंगे 4000 प्लस 18 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 14 है, और गुणा में अभी 1000 हैं वो ऐसे के ऐसे ही, 2 और 18 की गुणा 36, ये दोनों माइनस होकर के हैं तो इन्हें क्या करेंगे जोड़ लेंगे हो जाएगा 13 है। कितना मिलेगा 4000 प्लस का 14 और 1000 की गुणा करेंगे तो 14000 बटे 36 में से 13 गए तो कितना बचेगा 23। 23 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 23 से कितने को 14000 को कितना मिल जाएगा, ये 140 में डिवाइड करेंगे तो लगभग 6 बार चला जाएगा, 6 × 3 = 18, 6 × 2 = 12 और 1 = 13 है। कितना बचा यहां से 2, 0 उतार लिया, 0 में भाग जाएगा नहीं तो 20 में क्या करेंगे 0 बार देंगे और 1 और 0 उतार लेंगे, कितना बार चला जाएगा यहां से लगभग 8 बार, 8 × 3 = 24 और 8 × 2 = 16 और 2 = 18 है। कितना हो गया ये, कितना बचेगा यहां से बचेंगे 6, इधर कितना रह गया है 9, 9 में से 8 गया 1, 16 है बचा, पॉइंट दिया 0 बढ़ाया, कितना बार चला जाएगा 7 बार, तो 7 × 21 = 7 × 2 = 14 है और 2 = 16 है, 7 × 21 = 7 × 2 = 14 है और 1 = 14 है और 2 × 16 लगभग इतना बार आएगा, 608.6 बार देते हैं यहां पर, तो 6 × 3 = 18 और 6 × 2 = 12 और 1 = 13, कितना बचेगा
दो, इधर रह गए पांच, पांच में से तीन गया तो यहां पर दो, 22 बचे। पॉइंट लगा हुआ है, जीरो बढ़ाएंगे तो लगभग यहां पर जो बार जाएगा वो थोड़ा बड़ा रहेगा, कितना आ जाएगा लगभग 9 बार, 9 तीन 27, 9 दूनी 18 और 2 20, तो लगभग कितना आ गया 6 9। और एक बार दे लेते हैं, अगर ये नेक्स्ट नंबर 5 से बड़ा रहेगा तो ये हो जाएगा कितना 6 9 है तो 7 0 हो जाएगा नेक्स्ट नंबर, तो कितना बच जाएगा यहां से 13 है, 13 बचेगा। पॉइंट लगा हुआ है, जीरो बढ़ाएंगे तो 13 लगभग बार चला जाएगा 5, तो ये 7 0 हो जाएगा, इसमें एक जीरो एक जोड़ देंगे तो ये नंबर मिल जाएगा 608.7। तो कितना करना है 4000 प्लस ये हो गया 608.7, तो ये कितना आ गया 4000 प्लस का 4608.7 और ये रन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की तथा उन्हें नीचे दी हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया। तो एक सारणी इस तरह से बना ली इसने और सारणी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन 2021 में आया हुआ भी है, तो इनसे हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो बारंबारता यानी हमें ये F दे रखा है, तो सबसे बड़ा नंबर यहां पर देखेंगे वो हमें मिल जाएगा कितना 20, तो ये हो गया हमारा F1 और इससे ठीक पहले वर्ग की बारंबारता ये F0 और इसके ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता ये F2। तो क्या क्या हमें दे रखा है, यहां F1 F2 और F0। F1 वैल्यू है कितनी 20, F2 की वैल्यू कितनी है 11 है और F0 की वैल्यू 12 है। और H और L, H क्या करना है इसको हमें कर लेना है कवर, जो F1 है सबसे ज्यादा बारंबारता, इसके बीच का अंतर जो निम्न वर्ग सीमा है और उच्च वर्ग सीमा है इनके बीच का अंतर है 10, तो ये H हो गया। और इसकी जो निम्नतम सीमा है वो हो गई L, तो बहुलक बराबर फार्मूला होता है L L प्लस का F1 माइनस F2 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा L, L कितना है यहां पर L है 40 प्लस F1 की वैल्यू है 20 माइनस F2 कितना है 11 है अपॉन 2 गुणा F1 है 20 माइनस F0 कितना है 11 है माइनस F2 की वैल्यू है 11 है, F2 की वैल्यू 11 है और यहां पर F0 की वैल्यू 12 है, F1 माइनस F0 होता है सॉरी यहां पे, तो ये 12 दे रखा है और ये F0 12 है और F2 की वैल्यू 11 है। H हमें 10, सॉल्व करेंगे 40 प्लस 20 में से 12 जाएंगे 8 गुणा 10, इधर 2 20 40 माइनस ये दोनों जुड़ जाएंगे कितना आ जाएगा 12 11 23, कितना मिलेगा 40 प्लस 8 दसावन 80 माइनस बटे 40 में से 23 घटाएंगे कितना बचेगा 17 है, 17 से इसे भाग दे लेते हैं, 17 से 80 के लिए भाग देंगे तो 17 चौके 68
बचे कितने 12, पॉइंट लगाया जीरो बढ़ाया, 17 7 119, एक बचा पॉइंट लगा हुआ है जीरो बढ़ा लिया, बाहर जाएगा नहीं, जीरो लगाया जीरो बढ़ा लिया, कितना 17 5 85, तो लगभग कितना आ गया 4.71 हो जाएगा, तो 40 प्लस का यहां पर 4.71 कितना हो जाएगा, ये 40 ये और 4 ये, तो कितने हो गए 44, और 0.71 ऐसा का ऐसा ही, और ये हमें क्या निकालना था, कारों की संख्या का बहुलक, तो ये हो गया इतनी कार आंसर। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे साथ आपके अपने YouTube चैनल RP पब्लिक स्कूल जोगी ठेर में। आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं कक्षा 10 के गणित का चैप्टर नंबर है 13 स्टैटिक्स, जिसे हिंदी में कहते हैं सांख्यिकी, और इसकी प्रश्नावली मीन्स अभ्यास है 13.3। तो आज इस वीडियो में हम अभ्यास 13.3 के जो रिमेनिंग प्रश्न है उनको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर है यहां पर 6, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को प्रदर्शित करती है, वो सारणी हमें ये दे रखी है, और उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन से हमें क्या निकालना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले जो रोगियों की संख्या दे रखी हुई है इसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, मींस बारंबारता, या एफ से इसको प्रदर्शित करते हैं, और जो हमें ये आयु वर्गंतराल दे रखा है इसे क्लास इंटरवल कहते हैं, सी आई से इसे डिनोट करते हैं। क्या करना है, जो भी ये बारंबारताएं दे रखी हैं इसमें सबसे बड़ा नंबर देखना है, तो 6 11 21 23 14 और 5 में सबसे बड़ा नंबर है ये 23, जो ये 23 दे रखा है इसी को हम F1 मान लेते हैं, इससे ठीक पहले वाले वर्ग को F0 मानते हैं, और इससे ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता को F2 मानते हैं। इसी ग्रुप को, इसी समूह को हम क्या करें, इस तरह से कवर कर ले रहे हैं पहचान के लिए। अब यहां क्या क्या मिला हमें, यहां F1 कितना है 23, F0 कितना है 21, F2 कितना है 14, और इसमें हमें जरूरत होती है किसकी, H की, एच क्या है वर्ग अंतराल जो भी है उसका अंतर, तो इसमें बहुलक वर्ग की जो वर्ग अंतराल है उनके बीच का अंतर कितना है 10 का, और चाहिए एल, एल क्या होती है उसी बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा जो कि है कितनी 35, तो बहुलक का जो फार्मूला है वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू H। तो सारी वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, L की वैल्यू है कितनी 35 प्लस F1 कितना है 23 माइनस F0 कितना है 21 अपॉन 2 इंटू F1 की वैल्यू 23 माइनस F0 21 माइनस F2 कितना है 14 और H कितना है 10। तो सॉल्व करेंगे इसे, 35 प्लस 23 में से 21 जाएंगे कितने बचेंगे 2 गुणा 10 ऐसा का ऐसा ही अपॉन में 23 दूनी होते हैं 46 माइनस 21 और 14 कितने होते हैं 35, तो 46 में से 35 जाएंगे कितना बचेगा 11 है, तो क्या मिलेगा यहां से 35 ऐसे के ऐसे ही प्लस
दो और दस की गुणा करा लेंगे, कितना मिलेगा, दो दसावन बीस अपॉन 46 में से 35 जाएंगे, बचेंगे 11 है। 11 से 20 के लिए भाग दे देते हैं तो 11 एकम 11 है, कितना बचा 9, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, कितना बार जाएगा 11 अठे 88, फिर 2 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा लिया, तो यही मिलता रहेगा 1 8 1 8 1 8 एंड सो ऑन, इस तरह से हमें संख्याएं मिलती रहेंगी। तो इसे भाग देने पर कितना मिला है 1.81, तो क्या करेंगे इसके जो दो नंबर हैं यहीं तक हम वैल्यू ले लेंगे, कितना आ जाएगा 1.81, ये 1 ही है, बाकी के सारे हमने छोड़ दिए, तो कितना मिल जाएगा ये 35 और 1 36.81, ऐसा का ऐसा ही, और ये आयु हमें दे रखी थी वर्षों में, तो ये इतना वर्ष, तो बहुलक आयु हमारी कितनी आ गई 36.81 वर्ष, और यही आंसर हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए, और बंटन सारणी वो हमको यहां पर गिवन है। क्या करना है, सबसे पहले तो वर्ग पर अगर हम ध्यान दें तो ये असतत है, मींस यहां से जो अंतर है वो 1 से 4 तक है, और इसके बाद जहां पर ये फिनिश हुआ है, खत्म हुआ है, वहीं से अगला वर्ग अंतराल स्टार्ट नहीं हुआ, तो इसको कंटिन्यूअस बनाने के लिए, सतत बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सभी की जो सीमाएं हैं उनमें निम्नतम सीमाओं में क्या करना है 0.5, मतलब आधा अंक क्या करना है माइनस करना है, और जो अपर लिमिट्स हैं उनमें क्या करना है 0.5 सभी में जोड़ना है। तो सी आई क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल हमें कितना मिलेगा, वो दोबारा से क्रिएट कर लेते हैं, जब 1 में से 0.5 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 0.5, से 4 में 0.5 ऐड करना है तो ये मिलेगा 4.5, नेक्स्ट 5 में से जब हम 0.5 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 4.5, और ये मिल जाएगा 8.5, नेक्स्ट मिलेगा 8.5 से 12.5, नेक्स्ट मिलेगा 12.5 से 16.5, नेक्स्ट मिल जाएगा 16.5 से 20.5, नेक्स्ट वाला 20.5 से 24.5, इसी तरह से नेक्स्ट 24.5 से 28.5, नेक्स्ट मिलेगा 28.5 से 32.5, अगला 32.5 से 36.5, और लास्ट 36.5 से 40.5। अब ये वर्ग अंतराल तो सभी के बन गए, क्या देखना है, अब इस बारंबारता मींस एफ में सबसे बड़ा नंबर हमें यहां पर देखना है, तो 2, 5, 8, 9, 12, 14, 14, 15, 11, 13 में 15 सबसे बड़ा नंबर है, तो इसे हम F1 मानेंगे, इससे ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता को F0 और इससे ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता को F2 मानेंगे। तो क्या मिला है यहां से, यहां F1 बराबर F2 बराबर और F0 बराबर, कितना मिलेगा, F1 बराबर है 15, F2 बराबर है 11, F0 बराबर है 14 है, और क्या चाहिए हमें L का मान, और चाहिए H का मान, तो L जो भी अधिकतम बारंबारता वाला पद होता है उसकी निम्नतम सीमा, तो कितना है 28.5, तो L का मान हो गया 28.5,
अब एच इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 4 नंबर का, तो एच हो गया 4। तो बहुलक, बहुलक क्या होता है? एल प्लस का एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन 2 एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। तो सॉल्व करते हैं, एल का मान कितना है? 28.5 प्लस एफ वन कितना है? 15 माइनस एफ जीरो कितना है? 14 अपॉन 2 एफ वन की वैल्यू 15 माइनस एफ जीरो कितना है? 14 माइनस एफ टू कितना है? 11 इंटू एच कितना है? 4। सॉल्व करेंगे इसे तो 28.5 ऐसा का ऐसा ही प्लस 15 से 14 को माइनस करेंगे तो ये मिलेगा कितना? 1 इंटू 4 ऐसा का ऐसा ही। 15 टू जा होता है 30 माइनस 14 और 11 ये दोनों ही माइनस की वैल्यूज हैं, ऐड हो जाएंगी कितना आएगा? 25। तो 28.5 प्लस 4 बन जा 4 और इधर 30 से 25 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 जीरो लगाएंगे 5 8 जा 40 तो 0.8 आ जाएगा। 28.5 प्लस का 0.8 इनको ऐड करेंगे तो 8 5 13 का 3 1 कैरी और 8 1 9 और ये 2 ऐसा का ऐसा ही। और ये हमें किसी उसमें तो दे नहीं रखा है तो बहुलक आ गया हमारा 29.3 और यही इसका आंसर हो गया। स्टॉप।